घर की बहू है, जल्दी से नंदो के लिए ये चीजें पहले से करके अरेंज करके रखती हैं। मिला दिया है रोज़ा सेम देखें, कलर वलर सब डलेगा बट मसाले में कुछ चेंजेस है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तानीज़ वर्ल्ड। एक सेकेंड, पीछे की आवाज मुझसे ज्यादा आ रही है। हाँ अब सही है, ये चल रहा था। अच्छा तो मैं ये बता रही थी कि आज हूँ मैं मम्मा के घर। मम्मा के घर होने का मतलब है कि लॉट्स ऑफ मस्ती, लॉट्स ऑफ मजा एंड मजेदार इफ्तारी। खैर अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके फौरन सब्सक्राइब कर लें, और मैं आजकल मिनी व्लॉग्स भी बना रही हूँ शॉर्ट्स पे, तो वो भी देखा करें और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा तो देखें, एक एक करके सब उठ गए हैं, बिस्तर नीचे लगा हुआ है। जब भी हम यहाँ आते हैं एक बिस्तर नीचे ज़रूर लगता है, क्योंकि कमरे में बहुत एसी तेज़ चलता है तो सब वहाँ सोना पसंद नहीं करता। खैर अभी तो सुबह हुई है, देखते हैं क्या बनेगा आज इफ्तार में। ओके तो आज मेरे कहने पे ख़ास अंडे वाली बिरयानी बन रही है। ये मुझे इतनी पसंद है ना, मैं बहुत खाती थी, तो आज बेचारे सब मेरी वजह से ये अंडे वाली बिरयानी खाएंगे। पसंद इसके पसंद ना करने से क्या होता है, मगर चिकन भी निकल आई है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे घर में सिर्फ अंडों का कुछ बन जाए। ओके जनाब, हम उठे ही थे तो हमारा बाहर जाने का प्लान बन गया, तो इसलिए अब हम रेडी शेडी होकर बाहर जा रहे हैं। इस वक्त यूएई की सबसे जुगाड़ू मार्केट पे खड़े हैं डे टू डे, तो चीज़ आपको कम पैसों में दूर चीज चाहिए वो यहाँ मिलेगी। यार ये डे टू डे जो होती है ना, यहाँ आपको हर माल ना बहुत आराम से मिल जाता है कम पैसों में, और कुछ अगर आप लकी रहे तो कुछ चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं कि वो लॉन्ग लास्टिंग भी चलती हैं। अब जैसे यही देख लें यार, ये ऑनलाइन जो है, ये ऑनलाइन भी इतना सस्ता नहीं मिल रहा जितना यहाँ सस्ता मिल रहा है। 24 dirhams का बात, और शीशे का है। सबसे मज़े की बात ये इनकी जो चीज़ें हैं ये कितनी अच्छी हैं। अगर आप यहाँ से भी लें तो कोई क्या है, ज़रूरी कोई हर चीज़ ब्रांडेड हो। किचन के बर्तन ब्रांड वाले नहीं भी होंगे तो खाना वैसे ही मज़े का लगेगा। अब देखिए यही चीज़ देख लें कितनी अच्छी है डेकोरेशन के लिए, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। और ये देखिए छोटी छोटी पतीलियाँ कितनी मज़े की हैं, मतलब ज़रूरी कोई बंदा हर चीज़ में ब्रांड ब्रांड करे। चलो हो गया कुछ, कभी पहनने ओढ़ने में बंदा कर लेता है, मगर हर चीज़ में नहीं। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है यार, मेरा दिल कर रहा है सब ले लूँ। यहाँ से अगर आज मुझे कुछ ले जाने की खुशी है ना, तो वो ये है गार्बेज बैग्स। पता है क्यों? क्योंकि ये एक मुझे पड़ता है 10 dirhams का, और ये 5 मुझे मिल रहे हैं 10 dirhams के। अच्छी डील है। मेरी हालत देखे, मैं घर से ना अजीम की जूती पहन कर आ गई हूँ, सिर्फ एक्साइट होने में कि बाहर जा रहे हैं। अभी हम ले रहे हैं फ्रूट चाट का सामान। यार फ्रूट कितने टेम्पिंग लग रहे हैं, फ्रूट चाट बनानी है। ये वाले अंगूर लें, ये लें या ये लें, आप लोग कौन से लेते हैं? हम ये ले रहे हैं। यार ये जो एक चीज़ है ना, इसकी मुझे समझ में नहीं आ रही है, बादशाहों के बागात में उग रही है, क्या सीन है ये इलायची। ये मैडम इतनी महंगी क्यों है भाई, क्यों? मतलब बंदा खीर बनाने से पहले भी 10 बार सोचे या इलायची यूज़ करना ही छोड़ दे। हद है। ओके जनाब, हम घर आ गए और रास्ते में इतनी देर हो गई कि रोज़ा खुलने में भी सिर्फ 15 मिनट रहते हैं। बहरहाल ये रही अंडे की बिरयानी। अब मुझे नहीं पता आप लोग क्या है घरों में ये बनती है कि नहीं, हम तो बचपन से खा रहे हैं, बहुत टेस्टी होती है। देखिए अंडे बिरयानी में ऐसे अंडे कट के डलते हैं। इधर से मुझे गुड़िया जी का एक वाकया याद आ रहा है। मेरी एक कज़न थी, उनसे मैंने एक दफ़ा पूछा कि आपको अंडे वाली बिरयानी आती है, कहती है हाँ। तो मैंने कहा अच्छा कैसे डलेंगे अंडे, कहती है पूरा पूरा एक बंदे का एक। गुड़िया जी बहुत चला के आप। तो ये है अंडे वाली बिरयानी। तुमने चिल्ली नहीं उतारी, अंडा खत्म किया। फ्रूट चाट बन रही है, टाइम बहुत कम है, इसलिए जल्दी जल्दी। ट्विंकल टाइम से नहीं उठी इसलिए देर हो गई है, इसलिए ट्विंकल अब जल्दी जल्दी गाय रही।
ये देखिए फ्रूट की कटिंग हो रही है। मैं वैसे बहुत जल्दी करती हूँ और ये इसकी वजह से इतनी लेट हो रही है क्योंकि ये बहुत लेट होती है। घर की बहू है, जल्दी से नंदो के लिए ये चीजें पहले से करके अरेंज करके रखती है। मिला दिया है रोजा कबूल नहीं होगा। आज भी अगर हम आकर ये काम खुद करें तो क्या फायदा है अजीम की शादी का? कोई फायदा नहीं है। अगर आज भी हम ये काम आके बाबा देखे तो बाबा क्या है, बाबा को मैं कुछ कह कोई नहीं, मैं तो बता रही हूँ कि हम करें तुम करें एक ही बात है। नीचे वाली तो अब इसमें लग रही है अंडे की तह, जैसे चिकन और मटन में लगती है, सेम बनती है उसी तरीके से, बस चिकन और मटन नहीं होता सेम, नहीं बनती, इसके मसाले भी अलग होते। अच्छा, इसके मसाले भी अलग है। और नहीं, मुझे जितना पता है मैं उतना ही बताऊंगी ना, मगर ये होती बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। ये देखें अब इस पे मसाला डाला जा रहा है जो कि बकौल अम्मी डिफरेंट मसाला होता है, मटन और चिकन वाला मसाला नहीं होता। डिंग 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 डिंग, यम्मी। बाकी मसाला ऊपर डाला जा रहा है जो बच गया है, और ये ऑलमोस्ट दम लगाने के लिए रेडी है। रोजा खुलने में भी 10 मिनट्स रह गए हैं। सेम देखें, कलर वलर सब डलेगा, बट मसाले में कुछ चेंजेस है। ये फॉइल पेपर लग गया है दम लगाने के लिए। अब कितनी देर अम्मी रखेंगे? 10 मिनट्स ना। 10 मिनट्स। और ये मेरे ख्याल से चिकन का कुछ बन रहा है। चिकन के बगैर भी जिंदगी है। रोजा खुलने में सिर्फ 2 मिनट रह गए, और हमारे साथ तो ये होता है, आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, कि जब लास्ट के 2 मिनट्स रह जाते हैं ना तो उसमें चक्कर भी आ रहे होते हैं, उसमें ऐसे लगता है कि हम बेहोश हो जाएंगे। तो ये सब क्यों होता है, जबकि पूरे दिन हम सब कुछ कर लेते हैं, पर लास्ट के मिनट्स में हमें लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखें, ये है अंडे वाली बिरयानी। देख रहे हैं आप अंडे कैसे मिक्स हो चुके हैं मसाले में। ये जरूर ट्राई करिएगा। अभी मैं आपको जब खा के दिखाऊंगी इसका जो टेस्ट है ना, ये है अंडे वाली बिरयानी, अगर आपको सही तरह दिख रही है तो। ट्विंकल, क्योंकि ट्विंकल ने मुझे अभी बताया कि उसने नहीं खाई, इसका मतलब है पाकिस्तान में ये शायद कम बनती है। कम नहीं, पर हमारे यहाँ तो कभी नहीं बनी। ट्विंकल क्या कभी नहीं बनी, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में नहीं बनाते, पाकिस्तान में लोग नहीं बनाते, मगर ये पागल हो जाएंगे। बहुत टेस्टी होती है। आलू वाली सब, अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी और मेरी अम्मी मान गई तो मैं आप लोगों को रेसिपी दे दूंगी। अगर सिर्फ आलू हो जैसे चना बिरयानी एक टाइम खा लो, बहुत मजे की है यार, ये मेरे बचपन की बिरयानी है। जानवर ये इसने अभी बोला है, अम्मी जब आप मेरा व्लॉग देखेंगे आपको तब पता चलेगा। इसने अभी बोला है कि मैं अम्मी की नहीं सुनता तो मैं तुम्हारी क्या सुनूंगा। ये मैंने बोला ही नहीं, और ये सब सुन रहे होंगे अभी। इसने क्या बोला था फिर ट्विंकल? सच बता दो अच्छे से क्या बोला था। मैंने बोला है ट्विंकल, बताओ क्या बोला था। हाँ, अम्मी आपने सुना ना, उन्हें पता है, अम्मी ने सुन लिया था। नहीं, अम्मी ने करता है ये। अच्छा, सांस तो ले लो, कुछ नहीं होता अगर रात खुल भी रहे तुम्हारे। ये मेरा कावा भी रेडी है, मगर इसमें पता नहीं क्यों अजीम ने अपनी एडिंग करी थी तो पत्ती लग रहा है ज़्यादा डल गई है। पारे लगे आपका गला ख़राब हो तो खैर, ये रेसिपी है तो ऐसी है कि सबको ही पता होगी, तो ये बना लिया करें। बाकी आइटम्स आपको दिख रहे होंगे,
ईंट बना लिया करे ये क्या है और साथ में एक एक कोयला मुंह में रख लिया करें। तो आपका जब आपका गला खराब हो इस कावे के साथ आपने एक कोयला लेना है उसे मुंह में रखना है और ऊपर से कावा भी लेना है गरम गरम सब आपका गला सब जल जाएगा अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। खुद तो टाइम पे सोती नहीं है पर इसने अपने टॉयज को टाइम पे ना सिर्फ सुलाया हुआ है बल्कि ये ब्लैंकेट भी नहीं लेती। मजे की बात ये कि ये ब्लैंकेट भी लिए मैं। ओके तो वो एक्चुअली ये जो मीठा भी बन रहा है ये मैरी ने अपने घर बनाया था पर उस दिन हद से ज़्यादा मीठा ऑलरेडी मौजूद था। तो ये है मैरी की खास डिश जिसका नाम है क्या? हुब्बे मेहरी। हुब्बे मेहरी मैंने अपने आप को नाम दिया है क्योंकि मैं अपनी फेवरेट हूँ तो ये डिश मेरे नाम पे है। जबकि इस डिश का ये नाम नहीं है मैं ये क्यों नहीं बता रही ताकि आप लोग सर्च ना मार लें गूगल पे। तुम पागल हो ये तो हमारा सीक्रेट भी बोल रही है मम्मा पीछे से। तो साइज़ में तो तुम लोग इसीलिए छुपा रहे हो। देखो मैं सच बोलती हूँ तो ये लोग गुस्सा होते हैं। खैर ये देखें आप ये ऑयल बहुत गर्म है ऑयल बहुत गर्म है अल्लाह ना करे कि किसी पे गिर जाए। कमल ये नहीं दिखाना है आपने इतना क्लोज लुक नहीं देना है आपने दूर से दिखाना है बस इधर से इतनी ये डल रहे हैं हुब्बे मेहरी तेल में कैसा ये अभी जब बन के आते हैं ना बहुत मजे के होते हैं मैं आपको बता नहीं सकती जितना है उतना बता रही हूँ। अच्छा इन्हें तला भी बहुत मासूमाना तरीके से ताकि ख़राब भी ना हो और इनका कलर भी अच्छा वाला गोल्डन हो। ऑलमोस्ट डन सर्विंग डिश भी प्यारी प्यारी होनी चाहिए ताकि आपको खाने में भी मज़ा आए। अच्छा अभी एक और चीज़ है जो इस पे डलनी है तो अब इस पे डलने वाला है द सीक्रेट सॉस। अब इसका ये नाम नहीं बता रही यार नाम क्या है मैंने खुद बनाया है सिर्फ। अच्छा ये तुमने खुद बनाया है ओके सो दिस इज माय सीक्रेट सिरप ये से खुद बनाया है। अगर आप लोग को रेसिपी चाहिए तो मैरी दे देगी कभी जिंदगी में नहीं दूंगी फिर मुझसे अगर कुछ सुनना है तो बता दो। ये प्लेट इससे पहले कि सबके पास जाती इसे मैं पहले ले आई ताकि मैं आप लोगों को इसे खा के भी दिखाऊं कि कितने मज़े की होती है। अभी बिल्कुल गर्म हो रही है इसे आप कावे के साथ खाएंगे ना सॉरी कावे के साथ हाँ कावे के साथ तो और भी मज़े की लगेगी। बहुत यम और इतनी क्रिस्पी है ना यार ये एक एक तो आप खा ही नहीं सकते ना खा दिल ही नहीं भरता। इसके बाद दो तीन सेशन हमारे और लगे इस हुब्बे मेहरी के क्योंकि एक से हमारा गुजारा नहीं होता। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखें दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।